नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। भारत की बात करें तो भारत तो राजा महाराजाओं का देश रहा है। कई राजा तो आज भी लोगों को याद है और कुछ के बारे में लोग जानते भी नहीं है। राजाओं के अलग अलग शौक भी हुआ करते थे। ऐसे ही एक पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह अपनी रंगीन मिजाजी के लिए बहुत मशहूर थे। आज इनके बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। भूपेंद्र सिंह के दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में महाराजा के बारे में कुछ बताया है। भूपेंद्र सिंह ने पटना में एक लीला भवन या लोग कहे की अय्याशी का दरबार बनवाया था, जहां निवस्त्र लोगों को ही जाने की अनुमति थी। यह महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहरी गली भाग के करीब बना हुआ है। इस महल का जिक्र उनके दीवान ने महाराजा किताब में किया है। महल का एक खास कमरा राजा के लिए रिजर्व था। कमरे के चारों तरफ की दीवारों में औरत की प्रेम कलाओं की तस्वीरों को दिखाया गया है। कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया है और फर्श पर कीमती जवाहरात से जड़े मोटे मोटे कालीन बिछे हैं। 150 मर्द और औरतें एक साथ नहा सकते थे। यहाँ बड़ी शानदार पार्टी होती थी। पार्टियों में खुलेआम रंगलीला चलती थी। उन पार्टियों में राजा अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते थे। वे सब राजा और उनके कुछ खास मेहमान के साथ वे नहात और तैरती थी। तिलक कंकांड उनके स्विमिंग पूल के आसपास होता था और इनमें अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नियां और देशी महिलाएं भी भाग लेती थी। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा महारानी नामक वेस्टवेड बुक लिखी है। उन्होंने इस किताब में खुलकर लिखा है कि इस अवसर पर क्या क्या होता था। इन पार्टियों में विलायती या गैर हिंदुस्तानी लोग बहुत कम बुलाए जाते थे। सिर्फ वही अमेरिकन व यूरोपियन लेडी जो उन दिनों जो महाराज के मोतीबाग पैलेस में ठहरी होती और जिसके साथ महाराज की इश्कबाजी चलती होती थी, उन्हें ही बुलाया जाता था। महाराज भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को मोतीबाग पैलेस पटियाला में हुआ था। उन्होंने 38 साल तक राज किया तथा कहा जाता है कि उन्होंने 10 से अधिक बार शादी की थी। एक अनुमान के अनुसार राजा भूपेंद्र सिंह 88 बच्चों के पिता थे। इनकी पत्नी महारानी विक्तवार कौर इतनी सुंदर थी कि उनको खून मिली की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, आपने सोचा था कभी कि राजा महाराजाओं के बीवे शौक हो सकते हैं? आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।